भाई तेरा गांव में क्या क्या काम हो रहे हैं और कौन इनकी बात जोर पर चल रहा है? हमारा गांव में मैडम जोर पर चल रही। मैडम मैडम भाजपा का नाम भी है ना? भाजपा कोई नाम को नहीं, कोई नाम ये बात भाजपा ने की गोली मार रखी है। काम तो मैडम ने करवाया, काम तो मैडम ने कराया। अच्छा ले भाई, एक भाई और खड़े, मैं भाई और खड़े है इस तरफ बुझे कुछ बोलो भाई, क्या बता भाई? काम मैडम ने सारा करवा दिया है। अच्छा हाँ, कोई काम बताया बकाया भी है? बकाया कोई काम को नहीं फिलहाल दो। अच्छा हाँ, तो जिताओगी जिसने जिताओगे है? हाँ जिताने की कोशिश है, अगला जीत जाए तो केवे रही अगले कर्म है, कर्म से अगला। लेकिन वोट दोगे? हाँ वोट देंगे। ले ताऊ और आ गए, ताऊ तो बुझ में दिखा, ताऊ उल्टी कर मुँह कर ले दिखा। वोट वाट किसके हैं गाँव में? चौधरी किरण का हार है। अच्छा पूरा काम चौधरी किरण का के शायद पूरा बन वोट देंगे। अच्छा मैं भी इसका लिख जाएंगे हैं, लिख जाऊँ लेकिन किरण चौधरी ज़्यादा वोट देंगे। आइसने बात बात देंगे, काम के प्रति बहुत बांट देंगे। काम चौके करवा दिए किरण है, लेकिन एक युवा और खड़े हैं, मैं उस तरह बदली हूँ मेरे भाई। ये क्या नाम किरण गाँव में? किरण चौधरी का है। देख लो यार, और किसी नाम भी बोल दिया करेगा तब बोला बिशरा तो और बोलने वाला तो कौन किसे का भाई साहब? हमारी मजद तो वो करवाओ और दूसरा मजद है वो भाई, दूसरा मजद तो नहीं करवाता भाई साहब, हमारी तो मजद ही उसी की है। अच्छा यानी आगे पीछे वाए वा है? वाए सर जी मारो तो वो सारा कौन है? काम तो वा कराओ और कौन कराओ? काम कितना बड़ा है वो? काम तो 5000 वोट है जी, पूरे 5000 वोट में। हाँ जी संडवा गाँव जी, 48 वोट है इसमें। हाँ 48 वोट, तो 48 वोट कितने का जाएंगे किरण चौधरी का? किरण चौधरी का 4-5000 वोट, 4-4500 वोट, 4500 वोट किरण चौधरी के। हाँ जी, बाकी 200-300 वोट रहेगी वो बीजेपी का किसी और का। हाँ बीजेपी हो या कोई वो दूसरी एक ही पार्टी वहाँ भी ले जाए वहाँ के, यानी वोट तो 100-200 बटेंगे, बाकी सारे किरण किरण हो रही है किरण का जी सारा, यानी भाजपा के लिए नहीं है ना? ना किरण के ज्यादा वोट भाजपा सुपर साहब बढ़ते बड़े सुपर साहब तो जी जो कई दिन तक भाजपा आई नहीं है जी, मारा तो कांग्रेस ही चल रहा है। कांग्रेस चलेगी? हाँ जी कांग्रेस का एक मतलब माहौल रहेगा, कांग्रेस का तो माहौल रहेगा भाई। कांग्रेस के युवा भी वोट कांग्रेस का मनाएगा सारा, कांग्रेस के काम करवाया किरण चौधरी ने, युवा भी कहता बुजुर्ग भी कहते और गांव के मौजूदा मौजूदा में कहा, और ये गांव का पिपड़ पिपड़ होगा बड़ी बड़ होगा। अरे यो एक और आया बताए भी मेरे भी रखते क्या बोला चाहो किरण चौधरी जीता ये कारण? हाँ कारण क्योंकि अभी तक मैंने वोट वैसे सफाई दिए भी नहीं। अच्छा तूने वोट शिव से दिया ही ना? कहाँ है शिव सफाई? हाय 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 हाय। अच्छा ये काम का बीच बीच बिचड़ा होगा? हाँ बीच का बिचड़ा है कोशिश तो वही करा रहा भाई, तो इब कर दम झोली भरोगे किरण के तो है ठोक के भर दोगे? हाँ ठोक के भर दे काम का बीच बिचड़ा के बीच का मारी जान में कच्ची कौन छोटा। अच्छा कच्ची छोटे को नहीं बक्सो को नहीं मार के छोटो है मारा ले किसने का साहब है? पिछो 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 के क्या लगा गड़ रहा है मारा ये वो। अच्छा वोट का अधिकार सबका बराबर, सबको बराबर अब बांधने बात गांव का पिपल त्रिवेणी लाग रहा है, नीम भी बड़ भी और पिपल भी सारी चीज, तो पूरा आदमी बैठ के झूठ बोल रहे तो अब की बार रोजाना क्या रहेगा गाँव का? मारा गाँव को तो भाई किरण चौधरी का ज्यादा वोट आपके हिसाब से क्या रहेगा? भाई देख ले फिर नू ना करा करो ना न्यू वाला लिया करो कि मैं अलग किसका लेना हम ना दिसे का वोट तो मैडम जीत रही है भाई। कितना वोट है? 800 वोट का गांव। अच्छा भाई पीछे चला मैं भाई क्या रहेगा कि वोट और जान भाई साहब वोट का दायित्व उसका बनता है जिसको हमारा हलके का काम किया हो और करने वाला हो, तो इसीलिए हम हमारे हलके का काम को वोट मिलेगा और ये दायित्व बनता है हमारे हलके के हर जनता हर वोटर का किरण चौधरी को फुल बहुमत से जिताकर हमें सरकार बनाने में साथ दें अपने वोट का। लेकिन भाजपा एक दावे और कर ला रही है 75 पार के और वो तो जीतता किरण चौधरी तो 75 पार के दावे दिखेंगे कि होंगे प्याज हो गए 75 पार डीजल पेट्रोल 75 पार प्याज आलू टमाटर महंगे कर दिया है सबकी महंगा हो गया भाई साहब। बात रही 75 पार की, इन उन्होंने खाली ढकोसलेबाजी की गई है, हर कोई भी चुनाव का मुद्दा पीछे उठाया था उन्होंने, इतने घोषणा पत्र में जो भी घोषणाएं की थी इन्होंने आज तक कोई बता सकता है कोई भी भाई उम्मीदवार कोई भी ये कह सकता है कि दावे के साथ हमने ये घोषणा पत्र में ये घोषणा की और ये पूरा किया? अच्छा, ये गांव का बिल्कुल बीच बिचाड़ा। हाँ, बीच बिचाड़ा यानी सारी मेन पंचायत हो दो आड़े आगे हो गई, नेता होगा तो आड़े पूरा गांव का नेता आड़े होगा, तो ये गांव के खड़े मौजूद आदमी ले भाई एक आदमी हो रहा आदमी आज लोग ने अभी लाला जी तू कितने खुद रहता है यार मैडम किरण चौधरी जीतेगी यहाँ से ना झूठ क्या बोलूँ था जी काम करवाया जी मैडम तू पंचायत का मैं खड़े अभी पंचायत का मैं खड़े हूँ तो भी झूठ कौन बोले किसी और का नाम भी तो लिया करो गांव में ना और किसी और नाम में को लिया 5 साल में 1 वर्ष के लिए कौन दिखाई था सांसद
वो मैडम तो आड़ तो जिस मतलब आड़ जी पीने का पानी की सुविधा अस्पताल हो हमारे सार्वजनिक कामों में मतलब बढ़ चढ़ कर काम करने में किरण चौधरी आगे है जी। यानी उससे बढ़िया कोई नेता है नहीं? नहीं कोई नहीं जी, इसमें तो शामिल कम काम में कम से कम 20 चौक है, 20-30 है चौक, सारे चौक कम टंकी है पानी की फिलहाल देख लो। अच्छा जी हाँ, यानी ठाट करा के हैं। हाँ जी, नेता हो तो ऐसा हो, नहीं तो वे ना में अस्पताल बना रखे ने 5 साल हो गए खटर ने, मेरा डॉक्टर भी कौन नहीं, रोड है वो फुटिया पड़े है, सारे डॉक्टर होते जी। अच्छा मैडम होती है सारी चीज आती है यहाँ पर। अच्छा किरण चौधरी होता है सारे डॉक्टर हूँ यहाँ वहाँ पर। वो बीड़ी फूक फूक बुढ़ा गया बना बता ले देख ले फिर अगला ये भाई पिपल का लाग रहा नीचे पंखा, ये देखो ठाट काम के, ये वास्तव में देखे ठाट पे काम के पिपल नीचे पंखा लगा रखा शेर का बच्चा ने वास्तव पिपल किसका पंखा के हाथ रे पंखा तो आड़े हुई लाया था पंचायत की खातिर उसके हाथ रे पानी दाओ तो पानी पुनी यहाँ खातिर दलना लाया था चाले पाड़ दिए ये भी पहला काम देखा भाई। मैं कैमरा मैन पिपल नीचे पंखा जरूर दिखा बाकी की दिखा चाहे ना दिखा आई बस संडवा गांव में देखो हरियाणा पूरा हरियाणा बाद रुपए का। अच्छा बिकर मंडिया संडवा कौन बेगो? अच्छा सांसद आ रहे थोड़ा दो चार आदमी आवाज उठाई जी मारो बाजरो कौन बेगा, बोले मेरे बस की बात कौन? अच्छा तो किसके बस की बात? सांसद बनाई भेजे तो तुम्हारा काम खातिर भेजे थो नाट गयो, बोले मेरे बस की बात पांच किलो बाजरो 17 किलो धरती 80 किलो बाजरा पर्ची है किसे नहीं दस दी हो तो मैं तारा मीडिया का अगर वो पेश कर सकूं 85 किलो बादलों में कड़े ले जाएं भाई तू सामने इसका बाबू का 75 किलो है। अच्छा और 85 किलो बादल बाकी कड़े ले जाएं भाई बताइयो ये सिस्टम किले वो है 75 है और बादरा लेकर गया मना में कितना है लकड़ो मंडी 80 किलो लेगी और बादरा लेंगे वो खाली 80 किलो बाकी की दाउ उल्टा बोते गए किम्मत ग्राउंड की उड़ते बता नहीं को मारा बस गोदाम बना के धर लो गोदाम भी जी बीजेपी आला है बना सके बड़ा व्यापारी लोग से और ये गोदाम में हम स्टॉक करके है ना ये कर सके मारा हाथ में कोनी जमींदार का हाथ में जमींदार तो मरा है मरा बाबा बता बाबा क्या रहेगा आपकी बार का रुझान वोटों का? अब की बार कांग्रेस का हमारे तो फुल दी कांग्रेस फिर फुल है। हाँ। बाबा इस पंखा का राज के है हाँ? इस पंखा का पंखा राज है हाँ। पंखा राज पंखा अब जी वोटा का तो जी ये शशि परिवार जीतेगा जी फूल वाला निशान है जी। अच्छा। सरकार ऊपर नीचे मोदी जी की है मुख्यमंत्री खट्टर जी है तो काम कौन करेगा जी यहाँ? यहाँ तो पीने का पानी भी नहीं आएगा। अच्छा कल तो जाएगी अभी पीछे भी कल है पांच साल में झूठ बोला अंदरी मारा वाटर में पानी को नहीं भरा कौन सा जी 2 फुट पानी आ वो 2 दिन सामर दिया है 10 दिन धरना दिया जी यहाँ टैल पर पानी पहुँचाया जी इस सरकार में पहले पानी 6 महीना नहीं आया। अच्छा। ये पानी पीने की सच्चाई है पानी तो हमें नहीं मिला ये तो आपकी सचमुच है फायदा तो जी अब सोची है सरकार ने सारे काम एकदम नहीं बनते जी भाई साहब लड़का ही लेना है यार इतना काम के भूखे मरो पैसे मरो ना जी हमने पैसे से पानी लाया टंकरों से टंकर गिरवा पानी जी 5 टंकर मैंने गिरवा लिया जी जुड़ने बोला जी भाई आपके गाँव के लोगों ने बताया कि पानी पीने ऊपर भी बीजेपी है सेंटर में बीजेपी और नीचे भी बीजेपी ले आवांगे तो ये बात कितने सत्य है इस गांव की। यहाँ गांव में जो भी काम करे गए हैं वो मैडम किरण चौधरी के कार्यकाल के द्वारा ही हुए हैं। उसके बाद जो है वो सरकार जो है हरियाणा में और तोशाम से जो विधायक मैडम किरण चौधरी बनी है लेकिन यहाँ पक्षपात रहा जो भी यहाँ काम करवाए गए जल घर बनवाया गया लेकिन उसमें पानी नहीं पहुँचा पाई बीजेपी तो ये फेलियर है बीजेपी फेलियर है बुजुर्ग तो जो लगेगा मैं बीजेपी ने बनाऊंगा वोट दूंगा नहीं जो खड़े पीछे कौन कह रहे थे जो खड़े देखो खड़े पीछे हाँ जी देख ले फिर हाँ जी तू एकला बोल रहा है नहीं जी एकला नहीं जी सुनो जी अगर ये नहीं जी ये मैंने बना देंगे जी पीछे 5 साल बनाई थी जी इंडिया बोले मैं तुम्हारे जैसे भाई मैं काम कहाँ से करूँ ऊपर से कुछ देते नहीं मैडम हॉस्पिटल बना दिया धर्मशाला है बना दिया वहाँ पर मैडम ने हॉस्पिटल बनवाया हमारे गाँव में जी और हॉस्पिटल मैन ने 5 साल डॉक्टर की पोस्ट खाली रखी जी। अच्छा एक न्यूरोसर्जन
सज्जन है वो हमारे गांव का काम चला रहा था एक तो यो ताऊ किसका है यो ठीक कह रहा हूँ जी के अंधी पट्टी हो रही है ताऊ के अंधी पट्टी हो रही जमा ताऊ से पूछो कि ये हॉस्पिटल किसने बनाया एक एक बात का जवाब देंगे किसने बताया बनाया ये चौधरी मैडम किरण ने बनाया जिसका उद्घाटन करने जिस सराफा आया जी भिवानी से ये तो सरकार खट्टर सरकार सुनो जी ये सरकार तो हमारा उद्घाटन करने भी नहीं आई हाँ जी सिर्फ यही बात है कि एक आध विरोधी होते हैं लेकिन बाकी जो भी काम करवाए गए हैं संडवा गांव में नहीं पूरे तो शाम में और भिवानी जिले के अंदर जो भी करवाए वो मैडम किरण चौधरी ने और उनके पूर्व चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र द्वारा करवाए गए ताऊ बीड़ी गणी पीला मैं ताऊ दुर्गा तो ये बीड़ी बीड़ी फूक फूक दे का फूक ला आपकी ताऊ तो बीड़ी की प्यार इतनी बता कौन जीतेगा पिया करूंगा गणी बीड़ी का प्यार इतनी कम प्यार बीड़ी अच्छी करो बीड़ी पीनी बता कौन जीतेगा काम तय कौन जीतेगा मेरे काम तो किरण जीते देख ले फेरे इसके अलावा किन जानो भी हो गए और देख ले आलाला जी किरण 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 चौधरी जितावांगा गांव तक तन मन धन तक अच्छा तन तक भी मन तक भी धन तक भी है लेकिन ताऊ हाँ जी बोलो जी तेरी बात हजम करो ना पूरा गांव की आवाज हो लग रही है तेरे में कुकर रोड हो रही है बता दे सुनो जी इस गांव के जी फूटे हुए भाग से चौधरी बंसीलाल ने भी कोई मोरी बोगा नहीं लाया नहरी में जी एक बंद ड्रेन काट दिया जी डटियो जी उसके बाद में जी चुटाला बढ़िया एक दो उसने फंसा दी फिर धरे जो आज आज जो एक गाँव है नहर जो बनी हुई चौधरी बंसीलाल ने निकलवाई हुई है और उसी के देन से आज जो गांव संडवा में जो है ना वो इतना समृद्ध जो लोग हैं वो सिर्फ नहर की वजह से बताओ सुनो जी मजदूरी करने पंजाब तक मजदूरी करने के लिए जाते थे यहाँ के लोग और आज हमारा समृद्ध गांव ऐसा है कि यहाँ गांव में मजदूर नहीं मिलता बाहर के मजदूरी करने के लिए आते तो बंसीलाल की वजह से आते चल रहे से हाँ और वह बंसीलाल की देन से और नहर के सारे से बोल लेंगे हमारा पानी भी तो नहीं यार जी इस नहर का नुकसान है वारे नहीं इसमें तो पाइप डालेंगे तो उधार कैसे होगा जी नहीं इनकी जो समस्या है वो बीजेपी सी है आप समझ नहीं पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो नहर के अंदर जो पाइप डाले जा रहे हैं वो बीजेपी की वजह से डल रहे हैं और उसकी वजह से यदि ये पानी का नुकसान होता है और ये एक किसान है तो दर्द जो बीजेपी के प्रति इनका दर्द है पाइप नहर में डल गया जी हमने तो जी उसने पंजाब से कणक लानी पड़ेगी हाँ जी वहाँ से तूड़ी लानी पड़ेगी या क्या है जी ठीक नीचे का खारा पानी जी मान गए ना ये बात है ये भी वोट तो बीजेपी के ने डालते हुए मैडम को भी वोट डालेंगे ये थोड़ा सा ये माहौल इसलिए बना रहे थे कि ताकि सारे जो लोग हैं वो अपनी अपनी बातें झूठा बिठा को बोल काम को नहीं जी ये पाइपलाइन वाला एक मतलब ये बोल रहे ना बीजेपी सरकार की हम टेल तक पानी पहुँचाने के लिए पाइपलाइन डालेंगे नहरों में ये हम कते भी नहीं होने देंगे पूरा गांव हमारा साथ देगा और हम पाइपलाइन नहीं डलने देंगे पाइप नहर के अंदर नहीं डलने देंगे जी चाहे सरकार किसी की हो स्टेडियम बनवाया जी किरण चौधरी को और पानी के पीने की हमारे गांव में दो डिगी जब पानी का लोटा नहीं है पीने दो डिगी क्या करेंगे जी हमारा उद्धार तो नहीं हुआ तो पानी बीजेपी सरकार ले आओगी के अरे विकास की देख ली पांच साल है नहीं भी तरह मतलब आंखियां पट्टी बंद रही तो बंद ही रहेगी और पानी भी है तमने नू बेरो है कि आड़े तो शाम में मैडम में लिया का है ताऊ और आ गया ताऊ ताऊ बाबा तय बता के रहेगा मेरे भाई झूठा है बताता भी बता अगर कि बोलते भी मैं कौन याद मेरे को बोल देगा तू नहीं बता दे तेरे मरगम का वोट से निकल हां के जाके वोट तेरे का मैं बता वोट मारा किरण का है बस भाई ताऊ ये बोल भी बस के बस बता दे ले किरण का अच्छा इसके अलावा किमे को नहीं है नहीं करवाया भी नहीं जी किसी ने भी गांव में आकर इलेक्शन के टाइम पर पांच मिनट भाषण देके और यहाँ पे से चले जाते हैं और फिर कोई भी काम नहीं करवाता यहाँ पर अच्छा मैडम पानी देगी अच्छा हाँ और हमारे दुख सुख की भाई बुझ जाएगी हाँ और हमारे कोई कौन बुझ जाए हमने कोई ना जाना हमने मैडम जाना ले भाई संडवा गांव में तो एक तरफ माहौल है किरण चौधरी किरण चौधरी आप देखते हैं क्या माहौल बनेगा 21 तारीख को और ये वोट किस तरफ करवट लेगा 21 तारीख को और कौन जीतेगा तो सामल कैसे जानिए देखते हैं देखते रहिए की बार किस चीज को अब की बार ऐसा है जी बीजेपी का तो कोई काम धाम है नहीं दो चार पागल है गाँव में वो लगे हुए हैं अच्छा हकीकत माहौल यही है कि यहाँ से जीतेगी किरण बाकी मुकाबला कुछ है थोड़ा बहुत दुष्यंत वाले के साथ में है बीजेपी का कोई लेना देना नहीं अच्छा
जी, यानी पागल तो है गांव में। हाँ पागल है, दो चार पागल है जिनको बांध के रखना पड़ेगा। क्या पागल ही हो यो वैसे कर जी, दिल्ली जिसको गांव का पता नहीं जी, ये दिल्ली रहता है उसको सर्विस करता है जी, जो दो दो लाख रुपए इनकम लेता है। पागल की क्या फिर नहीं, यो जो कुछ भी कह सकता है, शेमू का मैदान है जी। यो भी क्या पागल है, पागल है, इसमें बेल सामने बेल मारनी पड़ा है, बेल मारनी पड़ा है पागल है। नहीं भाई साहब, ये बस मजाक की बात है। अच्छा अच्छा, बाकी है ना वोट अपना मन का है, सब लोग अपने मन बना रखा है और वोट वहीं पे गिरेंगे। अच्छा। और ये कोई मतलब नहीं है पागल पुगल तो नहीं, कोई नहीं होता। लेता हूँ। हाँ जी, गांव के लिए ये। हाँ जी, मैं जब मैं जी अपना जो जीतेगा ने उसी के साथ हूँ मैं, जो जीत के साथ। तो जीतता कौन का वो तो बता। वो बता दिया जी आपको, आप इतने इशारे नहीं समझे। ये कहते हैं नई सरकार आओगी, क्या सरकार आओगी, जिसका बाबा दादा जेल में पड़े कभी भी नहीं आ सकते। मैं 20 साल रहा हूँ, उनका झंडा ढाई नहीं हूँ, गाड़ी के टायर के साथ ही है, झाड़ू वाली नौकरी कौन मिली। अच्छा, बता क्या करेंगे, सही बात है, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, भूखे मर जाएंगे उनके साथ। काम करो नहीं जी, कोठियों वाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो गांव के रहने वाले हैं, गांव में रहेंगे। अच्छा, हाँ संघर्ष करते, मेहनत से कमा के खाते हैं। वाह जी वाह।